इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पूर्व पार्षद प्रीति अग्निहोत्री ने एटीएम कार्ड से फर्जी तरीके से आरोपी द्वारा 2,000 रुपए कर करीब 38,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत पूर्व पार्षद द्वारा चंद्रनगर थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पूर्व पार्षद प्रीति अग्निहोत्री ने कुछ समय पहले अपने एटीएम कार्ड के लिए बैंक में अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद एटीएम कार्ड अन्य किसी व्यक्ति के हाथ में लग गया और उसने करीब 2,000 रुपए करके करीब 19 बार कार्ड स्वाइप करते हुए पेट्रोल पंप पर पैसे निकाल लिए। और साथ ही में पूर्व पार्षद प्रीति अग्निहोत्री द्वारा जब बैंक बैलेंस देखा गया तो घटना की जानकारी मिली, जिसकी शिकायत चंद्रनगर पुलिस को की गई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पुलिस अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। वही चंदनगर थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर ने बताया कि पूर्व पार्षद प्रीति अग्निहोत्री का एटीएम कार्ड आरोपी के हाथ में लग गया था, जिसके जरिए पेट्रोल पंप में एक कर्मचारी की साठगांठ से 2,000 रुपए हर बार निकाल रहा था। करीब 38,000 रुपए वह निकाल चुका था। फरियादी द्वारा पेट्रोल पंप पर संपर्क कर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया और आरोपी की पहचान ऋषि राज शर्मा, जो कि प्रजापत नगर द्वारकापुरी का निवासी है, जो कि अभी नशे की हालत में थाने लाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सर, किस तरह की कार्रवाई आज हुई है, धोखाधड़ी का मामला सामने आया? पूर्व पार्षद हैं प्रीति अग्निहोत्री, जो कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री जी की पत्नी हैं। इनका एटीएम कार्ड जो इनके द्वारा डिमांड की गई थी बैंक से, ये एटीएम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के हाथ आ गया और उसके द्वारा पेट्रोल पंप पे जाके स्वैप करा के 2,000 रुपये इसके द्वारा हर बार निकाले गए। इस प्रकार से इनके खाते से कुल 38,000 रुपये डेबिट कर लिए गए। जब इन्होंने आज खाता चेक किया तो पाया कि काफ़ी रुपये डेबिट हुए हैं इनके खाते से और ये पेट्रोल पंप पे स्वैप कराए जा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पे संपर्क करके इनके द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया और व्यक्ति और डेबिट कार्ड को लेकर थाने आए, जिसमें से उस व्यक्ति विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसमें, वो ऋषि राज शर्मा, पिता गौतम शर्मा, ये प्रजापत नगर थाना द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। विवेचना की जा रही है, इसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे। कार्ड कैसे मिला, कहां से लाया था कार्ड? ये अभी नशे में था तो बार बार अपने बयान बदल रहा है, जब नशे की कमी होगी उसके बाद सही तथ्य सामने आएंगे।